हर जी आपका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए आज मुझे बड़ी खुशी है, जो कई साल से जो मैं जो सपने देख रहा था ओलंपिक, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, यूं स्टार्टिंग भी मेरी बेटी जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएंगी, और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल के, और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी। और जो 2016 और जो 20 में नहीं कर सकी, जो हिंदुस्तान को उसकी गोल्ड मेडल की आज थी, उसको जो है अब जो है वो गोल्ड मेडल लेकर वो आज से उम्मीदें हैं ऊपर खड़ी उतरेगी। पहली महिला बन गई है जो ओलंपिक के फाइनल में, बिल्कुल जो गोल्ड मेडल लाते हैं पहली महिला होगी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएगी, ये इतिहास होगा रेसलिंग में। किस तरह का सफर रहा है, क्योंकि बीच में ब्रजभूषण का भी, देखिए ब्रजभूषण ने जो फेडरेशन काफ़ी जो है इनको जो है रोकने की कोशिश की, ब्रजभूषण के कारण तो जो है जो बजरंग है जो धरना प्रदर्शन रहा है तो वो कवर नहीं कर सका ने, नहीं तो वो भी गोल्ड मेडल की वो पूरी तैयारी कर रहा था, तो ये ब्रजभूषण के मुँह पर तमाशा है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए बेटियों? भाई मैं नहीं कहता हूँ, जो आज जो हमारे हिंदुस्तान की जो बेटी हैं 5 क्वालिफाई करके गई, और मैं उन बेटियों से कहता हूँ जो हार को हार न मान करके आगे जो है 2028 के लिए बहुत कम समय है, और सारी बेटियों से मेरी ये प्रार्थना है भी आज से लग जाओ जो 24 के ओलंपिक के लिए, और हमारी बेटी जो है मेडल के लिए, ताकि हमारे को ज़्यादा खुशी हो। ठीक, शुक्रिया। थोड़ा पीछे मैं एक्स सरपंच जोजुकला राजेश सांगवान, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस परिस्थिति के अंदर विनेश फोगाट ने वापसी की है, क्योंकि जो आंदोलन चला था, जो मोमेंट चला था पहलवानों का, उसमें पहलवान का लगातार आंदोलन में रहना, तो उससे उसकी काफ़ी वजन भी घटा और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई, लेकिन विपरीत परिस्थिति के अंदर उस बेटी ने इस राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम किया, और जो फाइनल मैच है, क्योंकि हमारी बेटी तभी जीत ली थी जब जापान की जो लड़की थी बड़ी, जिसने आज तक वो हारी नहीं और वो पीछे भी गोल्ड मेडल रही है, वो जब सरुवाला जब इवेंट जीती थी उसके, हमें ये लग रहा है अब उसको फाइनल में कोई नहीं रोक सकता। तीनों मैच आपने देखे हैं, हाँ, तीनों मैच किस तरह का खेल नजर आया आपको? देखिए खेल जो है लगातार हमने देखा है, जैसे सरु की जो फाइट थी वो बहुत कंपटीशन की थी, बड़ी टाइट थी, और उसमें हमारी बेटी 3-2 से जीत गई। उसके बाद उसने हर कुश्ती के अंदर अब प्रोग्रेस चलेगी, अब जैसे पिछली 7-5 से जीती थी, अभी 5-0 से जीती है, तो अब उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, हमें 100% विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर कि वो अब गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस देश का नाम रोशन करेगी, और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का और जिले का, अपने गांव का, इलाके का वो निश्चित रूप से नाम रोशन करने पड़ेगी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए एक नया संदेश जाएगा, जिस तरह से महावीर पहलवान ने एक स्टार्टिंग की थी उस टाइम के अंदर, जहां लड़कियों को बाहर लकड़ना भी दुर्लभ था, जहां झगड़े होते थे और कुछ होते थे, उन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और महिला रेसलर को एक नई दिशा देने का काम किया, आज उनका लक्ष्य पूरा होता हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरह से आज विनेश ने अपना खेल दिखाया है? संपूर्ण राष्ट्र भारतवर्ष की हमारी बेटी आन बान शान विनेश फोगाट है, जो काफी लंबे समय से जिसका एक सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के, जिसने का इतिहास रचने का काम किया, कि देश की पहली महिला रेसलर ऐसी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेकर ही देश का नाम गौरवान्वित करेगी, और जिस प्रकार से इसका कुश्ती का जो जुनून है, पहले हमारे देश में कुछ राजनीतिक रूप से षड्यंत्रकारी, उसकी वजह से इन्होंने आंदोलन करना पड़ा दिल्ली में, और उसकी वजह से इनको टाइम डिस्टर्ब भी हो गया था, लेकिन उस टाइम को कवर करते हुए इसने इतनी शॉर्ट टर्म में इतनी अथाह मेहनत करके जो कुश्ती के जो मुकाम हासिल किया है, वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और हमारे जिले के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला महसूस है। प्रत्येक नागरिक का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम करके इस मुकाम के ऊपर देश में पहला मेडल लेने का ये काम करेगी ओलंपिक में। कल फाइनल है, तो क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि फाइनल में अब ये गोल्ड मेडल लेके ही आएगी, क्योंकि जो पहले उनकी इसकी बाउट थी विनेश फोगाट की, वो लड़की हराने का मतलब है गोल्ड मेडल, क्योंकि वो जो लड़की 4 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो पिछले ओलंपिक में जिसने एक भी पॉइंट में अपने प्रतिद्वंदी को नहीं दिया, और उसको हराने के बाद तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि विनेश हमारी बेटी अब गोल्ड मेडल के साथ ही भारत देश में लौटेगी। आपका नाम क्या है? मेरा संजीव मंदोला। कहाँ से? मैं यही मंदोला गाँव है, मेरे पास में पड़ोस में ही संजीव मंदोला नाम है मेरा। ठीक है।